हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अब आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो हो गया है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता है कि प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, या होगा तो कितने मार्क्स का होगा, इस पर डिस्कस कर रहे होंगे। रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, इस पर डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर प्रैक्टिकल होगा तो वो कब तक होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिए हैं वो आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम 70-75 मार्क्स के हुए हैं, ठीक है। 25-25 नंबर जो आपके ये इंटरनल हैं, ये आपके कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, होप सो। 400 नंबर आपके ये हो गए। अब जो आपको 50 नंबर मिलने हैं, उसमें देख लो, यहाँ पर साफ साफ आपका लिखा हुआ है कंप्रिहेंसिव वाइवा बेस्ड ऑन कंप्लीट बीएड कोर्स। 50 नंबर का जो आपका इस बार वाइवा होना है वो किस पे बेस्ड होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे इसी बार का पूछेंगे एग्जामिनर, इस बार आपसे कंप्लीट जो आपका बीएड कोर्स है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ सेम हो, उससे रिलेटेड जो भी उनको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेंगी, वो आपका वाइवा होगा आपके कॉलेज पे, ठीक है। एग्जामिनर आएगा प्रॉपर, जैसे वाइवा होता है वैसे होगा। और आपको जो फील्ड वर्क करना था वो बेसिस था इस बार किस पे, कम्युनिटी वर्क, विजिट टू अ स्लम, जो स्लम एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर जाना था और ये देखना था कि शैक्षिक संबंधी क्या समस्याएँ हैं और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उस पर काम चल रहा है या नहीं, ठीक। ये जो 50 नंबर हैं, आप सोचो कि मैम ये अलग से मिलेंगे, हमने कहा नहीं, एक सेमेस्टर आपका 450 ही नंबर का तो है ना, तो उस बेसिस पे देखा जाए तो जो आपके ये 50 नंबर, ये जो आपके हैं ना 25-25-4, वो इन्हीं सब बेसिस पे मिलेंगे कि आपने कैसे अपनी कम्युनिटी वर्क किए हैं, कैसे अपनी आपने चीज़ें की हैं। अब ये जो आपका क्या है, लाइफ स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, म्यूज़िक, ड्रामा, योगा, क्राफ्ट, इसमें आपको ग्रेड्स मिलेंगे कॉलेज की तरफ से, ठीक। तो यानी कि आपको हम एक चीज़ और बता दें, पूरा आपका बीएड कितने अंक का थ्योरेटिकल था, 1400 अंक का, जिसमें से प्रैक्टिकल नंबर आपके कितने थे, 400 नंबर के हर बार प्रैक्टिकल हुए ना, ओके। तो अब इस बार वाला जो 50 नंबर का आपका वाइवा होगा, वो आप बात याद रखिएगा, कंप्लीट बीएड कोर्स से रिलेटेड आपका होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैम ये वाइवा होने के चांसेस कब तक हैं, हमने आप कहा कि आप 20 अगस्त तक मान लीजिए और फिर आप एक बार अपने कॉलेज में भी एक बार कंसल्ट कर लीजिए अपने सर या मैम, जो भी आपके चोड़ी हों, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपके बीएड सेक्टर के, उनसे आप पूछिए कि मैम हमारा लोगों का वाइवा कब होना है और कब तक, ठीक। तो वो भी आपको कुछ सजेस्ट करेंगे, या आपके जो कॉलेज ग्रुप हैं वहाँ पर खुद ही मैसेज आ जाएंगे, ठीक। इतनी सी बात समझ में होप सो आ गई होगी। अब बात आती है कि मैम हमारा रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिज़ल्ट के पूरे चांसेस हैं कि आपके अक्टूबर में तो 100% आ ही जाना चाहिए, ठीक। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम 18 तारीख तक वो वैकेंसी है ईएमआरएस वाली, है ना, तो वो दे दें। हमने कहा देखिए, यूनिवर्सिटी के भी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपके हिसाब से चलेगी, आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलेंगे। आप एक बार अपने आप को उनकी जगह रख करके देखिए, क्या इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी है कि अभी पेपर करवाया आपका, अभी आपके कॉलेज के प्रैक्टिकल और वाइवा भी नहीं हुए और वो आपको रिजल्ट दे दें, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल तो नहीं है। तो आप तो बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि आप ये वाली वैकेंसी फिल कर पाओगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये रिज़ल्ट नहीं देने वाले हैं अगस्त में, सीधी सी बात है। अगस्त में आपका वाइवा प्रैक्टिकल हो जाएगा। हाँ, एक उम्मीद ये है कि जो आपका सितंबर वाली वैकेंसी है, शायद DSSB वाली जो वैकेंसी आ रही है ना, उसमें आप लोगों को चांसेस हैं कि अगर इन्होंने अपना रिज़ल्ट सितंबर में दे दिया तो आपके एक चांस, एक मौका बढ़ जाता है कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें DSSB में मौका मिल जाएगा, ठीक। लेकिन उसके लिए अब ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट दे रही है इतनी जल्दी या नहीं। अब ये मैम कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट कब देगी, हमने कहा जितनी जल्दी आप लोगों का ये वाइवा हो जाएगा, रिज़ल्ट आने की संभावनाएं उतनी ही जल्दी हो जाएंगी। वैसे अक्टूबर में तो 100% आ ही जाना चाहिए, क्योंकि हर बार यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट लेट करती है, तो इसलिए हम ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रख सकते हैं कि वो सितंबर में अपना रिज़ल्ट बहुत जल्दी दे देंगे। अगर हम लोग जल्दी कहेंगे भी तो भले वो 15 सितंबर, अगर हम लोग ट्विटर कैंपेन और ये सब चीज़ें करेंगे तो भले वो 15 सितंबर के बाद अपना रिज़ल्ट लॉन्च करें, लेकिन अभी ये चीज़ नहीं कर लेंगे, क्योंकि अभी ये जायज़ नहीं है। देखिए, ट्विटर कैंपेन चलाने का भी अपना एक समय होता है, ऐसा नहीं है कि आप बेतुके तरीके से चलाओ। ट्विटर कम कैंपेन का सहारा तब लिया जाएगा जब आपकी DSSB की लास्ट डेट्स बची होंगी
और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा होगा और आपका वाइवा भी हो चुका होगा, तब एक अपने पास क्या होगा, एक पॉइंट होगा पॉजिटिवली कहने का यूनिवर्सिटी से। अभी ये सब करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्यों मैम, क्या पता पहले ही रिजल्ट दे दे वो, है ना, क्या पता पहले ही रिजल्ट दे दें, तो ट्विटर कैंपेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है फिलहाल, क्यों, क्योंकि अभी आपका वाइवा भी नहीं हुआ है, ठीक। तो यानी कि दो बातें आपको समझ में आ गई, कि एक तो वाइवा वाली बात समझ में आ गई, दूसरा आपका कि रिजल्ट कब तक आना है, तो ये मान के चलिए आप अक्टूबर तो 100% है, लेकिन अगर अब अगर यूनिवर्सिटी चाह गई और डेट्स को देखते हुए वैकेंसी की, वो सितंबर में हम लोग अगर नहीं देते हैं तो एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, उसमें हो सकता है कि कुछ संभावनाएं बढ़ जाएं कि लास्ट सितंबर तक वो रिजल्ट देने का प्रयास करें। लेकिन ट्विटर कैंपेन के लिए अभी से आप हमें नहीं कहिएगा, क्योंकि अभी मैं भी बिल्कुल नहीं करूँगी ये सब काम, क्योंकि अभी जायज नहीं है, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम आपके लिए एक नया वीडियो बनाने वाले हैं कि बीएड के बाद अब आपको करना क्या है, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, जिनका ग्रेजुएशन के बाद हुआ है बीएड वो भी, जिन्होंने अपना बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया है वो भी कंफ्यूज हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जो रिलेटेड होगी कि अपने बीएड के बाद में क्या करें। तो देखिए, अब हम आपको बता दें, इस चैनल पर आपकी जितनी भी टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, नए शिक्षा आयोग से रिलेटेड होंगी, वो आपको पल पल की अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चैनल पर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैंने एक चीज़ देखी और मुझे लिटरली बहुत अच्छा नहीं भी लगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती किसी के विषय में। जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो बच्चों ने कह के चैनल को वो कर दिया, मतलब हटा दिया अपने उससे, तो है ना, वो एक चीज़ थोड़ा सा लगी कि देखो अभी रिजल्ट भी नहीं आया, अभी वाइवाज भी नहीं हुए इन लोगों के। और ऐसा तो नहीं है कि अब आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, अब आप लोगों के लिए और भी काम किया जाएगा। सबसे बड़ा काम तो यही है ना कि आपको वैकेंसी की जानकारी होना, चाहे वो टीचिंग रिलेटेड NVS की हो, KVS की हो, DSSSB की हो, सारी आपको वैकेंसीज़ के विषय में बताएंगे, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, है ना, उनके फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है, समय से पहले हर एक चीज़ आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल जिन बच्चों का अभी इस बार सीटेट लगा हुआ है, वो बच्चे फ़िलहाल अपना ध्यान पूरा सीटेट की तरफ रखें। उसके बाद में जिनका बिहार का पेपर लगा हुआ है, वो अपना BPSC का, जो बिहार वाला टीचिंग वैकेंसी का पेपर है, उसकी तैयारी करें। उसके बाद वो सोचे कि अब उन्हें क्या करना है, फिलहाल फोकस ऑन डेट। बाकी Instagram से आप जुड़े रहिए, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिएगा, हम उसी बेसिस पे आप लोगों को गाइड भी करते रहेंगे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।